भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भाजपा कार्यकर्ता और किसानों पर हुए लाठी चार्ज के विरोध में यहां भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा दिगोद में विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। आक्रोश रैली निकाली गई और जमकर नारे भी लगाए गए। कोटा जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र के दिगोद कस्बे में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा मंडल अध्यक्ष जगमोहन नागर के नेतृत्व में वनवास में हुए भाजपा कार्यकर्ताओं और किसानों पर हुए लाठी चार्ज के विरोध में आक्रोश रैली निकालकर जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर वक्ताओं द्वारा राजस्थान सरकार की नाकामी को कोसा गया और 6 दिसंबर को कनवास में किसानों तथा भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी को कर्ज माफी की याद दिलाने शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन जाने देने के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया गया, उसका जमकर विरोध किया गया, जहां उपखंड अधिकारी दिगोद को कोटा जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में सरकार को किसान विरोधी बताया और लाठी चार्ज के कृत्य की कड़ी शब्दों में निंदा की गई। इस दौरान यहां मुख्य रूप से युवा मोर्चा देहात जिला अध्यक्ष शिव टकटाना, भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मोनू सनाड्य, मंडल अध्यक्ष सरोज यादव, भाजपा किसान मोर्चा जिला मंत्री कमल सिंह गुर्जर, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष हेमराज गुर्जर, किसान मोर्चा सिमलिया मंडल अध्यक्ष बुद्धि प्रकाश मीणा, ओबीसी मंडल अध्यक्ष ब्रजराज फागणा, एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष जगदीश मेघवाल, एसटी मोर्चा मंडल अध्यक्ष धनुष बिहारी मीणा, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष राजनीता मेघवाल समेत युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष सुल्तानपुर अजय शर्मा, मंडल महामंत्री गिरीश शर्मा समेत जसप्रीत सिंह छाबड़ा, लोकेश सुमन आदि युवा मोर्चा कार्यकर्ता मौके पर मौजूद थे। बड़ी संख्या में यहां विरोध प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन दिया गया।